अपने पहले टेस्ट मैच में विदेशी जमीन पर खेला, शतक लगाया, दोहरे शतक से चुक गए, मैन ऑफ द मैच चुनेगा। और ये बड़ी बात है यशस्वी जायसवाल के लिए, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने भी 12 विकेट लिए और शायद उनको भी मैन ऑफ द मैच दिया जा सकता था, लेकिन एक युवा खिलाड़ी जिस तरह का उन्होंने पेशेंस दिखाया, इस विकेट पे पारी खेली, तो यशस्वी जायसवाल के लिए ये बड़ा यादगार मैच रहा। और मैच के बाद जब वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नहीं वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में बात कर रहे थे, उसके बाद हमने कुछ तस्वीरें भी उनके साथ ली, बातचीत किया, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, छोटे बच्चे हैं क्या कहूँगा, मैं उनको बोला कि भाई चलिए आपके ऐतिहासिक, जब आपने डेब्यू किया ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बना, आप ऊँचा करेंगे जब भी जाएंगे तो हम, मैं भी याद रखूँगा कि भाई आपके पहले टेस्ट में था। और जब मैं ये बात कर रहा था तो रोहित शर्मा दूर से देख रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे आप पहला ही टेस्ट है, तो मतलब उनको लग रहा होगा कि मैं उनको बहुत ज़्यादा ये कर रहा हूँ। तो मैं आया, मैंने बोला कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था फ़ोटो खिंचाना, तो उन्होंने बोला कि नहीं लड़के ने अच्छा खेल दिया, उन्होंने बोला कि एकदम चढ़ा मत देना, मैंने बोला नहीं नहीं बोला आप लोग मीडिया वाले, बोला कि आपने देखा है उस तरह से मेरे को उस तरह से रिपोर्ट करते कि मैं चढ़ा दूँ कि हाँ बहुत बड़ा बात है जनरली, तो उन्होंने बोला अच्छा, मैंने बोला तो बोला नहीं, तो मैं कहने का मतलब है मीडिया में ये चल जाता है ना कि भाई पहला मैच में अच्छा खेला तो बहुत ज़्यादा, फिर अगले मैच से क्रिटिसिज्म, बोला अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा किया है तो आप बताइए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। हंसने लगे, बोला अच्छा ठीक है। तो लेकिन रोहित के चेहरे पे काफ़ी सेटिस्फैक्शन था कि भाई एक युवा खिलाड़ी आया, जिस तरह से उसने जो डेब्यू किया, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक झलक देखने को मिली है, ठीक है ना। यहाँ पर भले ही सूर्य जो है अस्त हो गया है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के एक नए सूर्य का उदय हुआ है और वो है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल से आप काफ़ी कुछ भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं, मैं आपको सुनाना चाहूँगा दोनों कप्तान, माफ़ कीजिएगा वेस्ट इंडीज़ के कप्तान क्या सोच रहे हैं, और इसके अलावा पूरे वीडियो में देखिएगा आगे में पारस महामरे जो गेंदबाजी कोच थे उन्होंने कहा क्या। तो यशस्वी इस टेस्ट मैच को नहीं भूलेंगे, यादगार टेस्ट मैच रहा, और मैं भी नहीं भूलूँगा। हालांकि हमें लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम अगर चौथे दिन कम से कम मैच को लेकर जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता, तो खैर तमाम किस्से कहानियाँ और रहेंगे, लाइव में आप लोग साथ जुड़ेंगे, आपको चौथे दिन टीम क्या करेगी, पांचवें दिन क्या करेगी, क्या ट्रिनिडाड जाएगी घूमने जाएगी, क्या होगा नहीं होगा, सारे अपडेट जो है ना कोई है नहीं, आपको यहीं पर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यू नो द वे इज बैटेड इज फैबुलस, आई थॉट फॉर अ डेब्यूटेंट टू कम इन नॉट ऑन अ इजी विकेट, ऑब्वियसली वॉज अ स्लो विकेट, गॉट स्लोअर एज द गेम प्रोग्रेस्ड, वॉज इन स्ट्रोक मेकिंग वॉज इन ईजी, इफ यू लुक एट द वे इज बैटेड अर्लियर, ही इज अ काइंड ऑफ गाय हु लाइक्स टू टेक ऑन द गेम, लाइक्स टू प्ले इज डॉट, बट द वे ही अप्लाइड हिमसेल्फ ऑन दैट विकेट वॉज वेरी गुड टू सी। आई थिंक दैट्स वॉट यू नीड एट द इंटरनेशनल लेवल, यू वुड बी एबल टू अडेप्ट योर सेल्फ टू डिफरेंट कंडीशन सिचुएशंस, एंड दैट वॉज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वॉज एक्सपेक्टेड बाई द टीम, एंड ही डिड द रोल फॉर द टीम, सो इट्स डेफिनेटली वेरी हार्टनिंग पॉजिटिव टू सी, एंड आई फ्रॉम द परफॉर्मेंस दैट इज डन आउट हियर विल गिव हिम लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड hold him good and going ahead in his career. Playing in his first test match and to score 171. Yeah, I think he was good. He was very clear in his plans. I thought we bowled well, you know, in majority of time, but you know he fought through and you know he batted well for sure.